Why are these license exam इतने important? इसकी clarity आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, right? Because unless you realize कि आप जब medical as a career choose करते हो, ठीक है, तो एक बात बहुत clear होनी चाहिए. Degree अगर आपको मिल गई, उसका मतलब ये नहीं है कि आप practice कर सकते हो, ठीक है? आप medicine field में हो, आप कोई और engineering, BCom, arts वगैरह में नहीं हो. मेडिसिन में डिग्री डज नॉट मीन आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो अगर मेडिसिन में अगर आप हो तो आपको लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली. सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइसेंस एग्जाम, द यूएसएमएलई एग्जाम्स एंड जो भी क्वेरीज है अराउंड एग्जाम्स एंड हाउ मोक स्टूडेंट्स स्टडी. दैट इज वॉट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन द क्विक हाफ एन आवर 45 मिनट्स टाइम, ठीक है? तो पहली बात आपको अपने आप को पूछना है कि आपको प्रैक्टिस करना है कि सिर्फ डिग्री कमानी है, वो आपको डिसाइड करना है. बिकॉज इंडिया में मेडिकल काउंसिल हैज मेड इट वेरी क्लियर, अगर आप लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, ऑलराइट? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन आई विल आंसर फ्यू क्वेश्चंस, ओके? लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी कॉल्ड एज द सेंट्रलाइज्ड एग्जिट एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम के बारे में. हुआ क्या है कि पहले बिफोर यू नो द जर्नी और यू नो बिफोर 2019 अगर आप अब्रॉड जाते हो तो आपको इंडिया में वापस आके एक एग्जाम देनी पड़ती थी जिसका नाम था FMG. और अगर आप इंडिया में हो और आपको सिर्फ एज ए MBBS काम करना है तो आपको कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ती थी. अगर PG करना है तो ही एग्जाम थी जो NEET PG है, ठीक है? अब क्या हो गया, चाहे आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो, सब बच्चों को ये कॉमन एग्जाम देनी है नेक्स्ट एग्जाम, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ो या प्राइवेट में पढ़ो, ओके? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज एग्जामिनेशंस वेरी वेरी क्लियरली. Divya, I will come to the Philippines also, don't worry. But you need to understand this license examination, all right? This is very, very important for you to understand because आपने पूछा सुभारती मेडिकल कॉलेज कैसी है, ठीक है? आप समझ लीजिए पहले इंडिया में कैसा था, प्राइवेट में हमने एडमिशन ले लिया, हम गारंटी डॉक्टर बन गए. अब वो कार्यक्रम खत्म हो गया है. तो जो आपको वर्ल्ड डायरेक्टरी के बारे में सर ने बताया, आपको ये चेक करना है इंडिया के लिए भी, क्या ये कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये बहुत जरूरी है. वाय? आप सिंपल टाइप करो सुभारती मेडिकल कॉलेज MCI डिसअलाउज. MCI ने 2017 में डिसअलाउ कर दिया है मिड एजुकेशन में थर्ड ईयर के बच्चों को अलग जगह पे शिफ्ट करना पड़ा था. बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे तीसरे साल में सबको, तो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एक तो फीस ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, पहले ऐसा था कि प्राइवेट में एडमिशन लिया तो गारंटी डॉक्टर बनते थे, अब ऐसा नहीं है. आप गवर्नमेंट में लो, इंडिया में लो, अब्रॉड में लो, कहीं पे भी एडमिशन लो, आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, ओके? सो प्लीज अंडरस्टैंड नाउ देयर इज नो वैल्यू of joining and wasting crore rupees in a private college in India. This is something very, very important. Each one of you need to understand this. Raj, if you are going to take a admission right now, aapka admission hone ke baad, chhatte saal mein, sixth year mein ye exam aati hai, wo bhi main aapko bataunga. This exam will come in 2022. So definitely, jo bachcha aaj ki date mein admission lega, wo सब बच्चों को ये एग्जाम आने वाली है 100%. इनफैक्ट इंडिया में जो बच्चा आप सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर MBBS में है उनको भी एग्जाम देनी है. तो जो गलती से जिन्होंने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया है वो अपना सिर पकड़ रहे हैं कि अभी फंस गए, एक तो लाखों रुपए लगा दिए और अभी नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ रही. प्लीज ये बातों को सीरियसली समझिएगा. मैं डिटेल में USMLE के बारे में भी समझाने वाला हूं, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड राइट स्टडीज फ्रॉम फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप किसी गलत एजेंट की बातें सुनोगे तो यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. 100 स्टूडेंट्स एवरी ईयर
अप्लाई फॉर MBBS अब्रॉड, 80 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेकर आते हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं करते। ये डेटा ऑफिशियल डेटा है, MCI की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते। प्रैक्टिस सिर्फ 20% लोग कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज इन्होंने पहले साल से प्लानिंग नहीं की। तो अगर आप गलत कॉलेज, गलत कंट्री, ओके, इफ यू गेट इनटू दिस, यू नो, इन द अट्रैक्शन और इन द टेम्पटेशन की अच्छा सस्ते में हो जा रहा है, डू नॉट डू दिस मिस्टेक्स, वरना यू विल बी पार्ट ऑफ दिस 25,000 डॉक्टर्स। आप गूगल कर सकते हो, इंडिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जॉब करते हैं इन अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कॉल्ड एज स्क्राइब। तो क्या आपको डॉक्टर बनना है या आपको स्क्राइब बनना है, ये आपको तय करना है। क्या आपको डॉक्टर बनना है, जेन्यून डॉक्टर बन के अपने क्लिनिक या अस्पताल में काम करना है कि स्क्राइब बनना है, दिस इज समथिंग, ये आपको डिसीजन लेना है। स्क्राइब का क्या मीनिंग है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डॉक्टरों के कॉल सेंटर में ये बच्चे लोग काम करते हैं। तो क्या 25 से 30 लाख रुपए आप डालोगे कॉल सेंटर में काम करने के लिए? वो जॉब तो अभी आप जैसे ही 12th पास करोगे आपको मिल सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, आपका मोटिवेशन क्या है, ठीक है? वी आर वेरी क्लियर, आप इंडिया में या अब्रॉड में, आपकी भी गलती नहीं है, बिकॉज आप किसी भी एजेंट से बात करेंगे तो वो वही कहेगा कि आप अभी सिर्फ एडमिशन पे फोकस करो। उसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एडमिशन, दैट्स इट। बाकी आप अगर उनको पूछो लाइसेंस एग्जाम तो बोलेंगे डोंट वरी, हम यहाँ से जलालाबाद प्रोफेसर भेज देंगे, वहां प्रोफेसर भेज देंगे। ऐसी बातों पे बिलीव करो मत, बिकॉज इसका कोई फायदा नहीं है। 5 साल का कोर्स 1 हफ्ते में नहीं पढ़ा सकते। या फिर वो आपको बोलेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियोस हम भेज देंगे, हमारी ऐप पे तैयारी कर लो, फ्री में तैयारी कर लो। अगर कोई आपको फ्री में तैयारी करने की बात करता है तो समझ जाना है कि वो आपके करियर के लिए सीरियस नहीं है। उसका काम है एडमिशन, उसके बाद अगर आपने लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं की तो वो तो कहेगा आपकी गलती है, आपके पेरेंट्स की गलती है, समझ रहे हो? तो बहुत केयरफुल रहना, यूट्यूब वीडियो में आपको बोले जाएंगे फ्री में तैयारी करो। या फिर आपको कुछ लोग ऐसा कह देंगे कि ईजी है, सेल्फ स्टडी कर लो। बी वेरी वेरी केयरफुल, डू नॉट गेट चीटेड, बिकॉज आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। यू रिक्वायर अ सोल्यूशन जो आपको लाइव ऑफर करे, क्यूबैंक दे, वीडियो लाइब्रेरी, कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफर करे राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। मोक्स के स्टूडेंट्स एकदम क्लियर है, फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज यही होगा, एजेंट्स विल फूल यू। तो आपको डिसाइड करना है करियर प्लानिंग करनी है या एजेंसी के जासे में आना है। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर लाइसेंस एग्जाम, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपको स्टडी अभी करना है, एग्जाम 5 साल बाद देनी है। सो यू रिक्वायर प्लेटफॉर्म जहां पे 100% लाइव टीचिंग हो रही है, डाउट क्लियरेंस हो रहा है। अगर प्रोफेसर 7 दिन ही साल में आने वाला है तो कैसे ये पॉसिबल है? और अगर आपको बोल दिया हमारे ऐप पे तैयारी करिए, हम आपको फ्री लेक्चर दे देंगे या फ्री यू नो टेस्ट दे देंगे, तो कैसे डाउट क्लियरेंस होने वाला है बताओ? टेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपका वीकनेस बताए, ना ही कि सिर्फ पुराने पेपर आपको दे दे, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? जिन लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है वो आपको यही कहेंगे कि फ्री में तैयारी करिए। फ्री मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, ठीक है? वैलिडिटी, अनलिमिटेड वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास स्टडी प्लानर है, वो क्लैरिटी होनी जरूरी है। रिवीजन कैसे कर पाते हैं, आर यू एबल टू रिवाइज, हाउ फ्रीक्वेंटली, कौन से सोल्यूशन में रिवीजन पॉसिबल है, वो आपको समझना है। हमारी टेक्नोलॉजी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। मोक्स के बच्चे कंटिन्यूसली day 1 ऑफ MBBS से ऑनलाइन, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, इंडिया में पढ़े, अब्रॉड में पढ़े, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ठीक है? आज की डेट में 650+ बच्चे हैं जो ग्लोबल लेवल का ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। मैं आपका उसका डिटेल में डेमो भी देने वाला हूँ बिफोर आई एंड दिस सेशन। बट आपको समझना है कि आपको ये प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, ना ही कि आपको अगर कोई बोल दे रिकॉर्डिंग दे देंगे या फिर आपको बोल दे प्रोफेसर वहां पे भेज देंगे। आपको प्रॉपर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है? विच इज इंपॉर्टेंट, चाहे आप MCI एग्जाम देना चाहे
चाहे आप यूएसएमएल एग्जाम देना चाहे, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म मैं क्विकली डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले मैं आपको टाइमलाइन बताना चाहता हूं, ठीक है। आपको ये समझना है, चाहे आप इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, आपका टाइमलाइन कैसे होने वाला है जब से नेक्स्ट एग्जाम अनाउंस हुआ है, ठीक है। चीजें बदल गई है, चीजें कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियर। चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड में पढ़ो, जैसे ही आपका एमबीबीएस एग्जाम फाइनल खत्म हो जाएगा, मार्च में आपकी नेक्स्ट वन एग्जाम आ जाएगी। जैसे ही मार्च में एग्जाम दे दी, अप्रैल से मार्च इंडिया में आपको इंटर्नशिप करनी है, और जैसे इंटर्नशिप खत्म करी तभी नेक्स्ट एग्जाम होगा, उसी के बाद आपको डिग्री मिलेगी। तो अभी ये पूरा स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर हो गया है इंडिया की साइकिल। इंडिया में पहले ऐसा था, साउथ इंडिया में कोई अलग शेड्यूल था, नॉर्थ इंडिया में अलग था, अब एक कॉमन एकेडमिक शेड्यूल आ गया है। जनवरी एक साल पहले शुरुआत होती है, नेक्स्ट वन एग्जाम आता है, इंटर्नशिप आती है, एमबीबीएस की डिग्री होती है, और जुलाई ऑनवर्ड्स आपकी पीजी चालू होती है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं हम करियर प्लानर है, तो प्लानिंग पीजी तक की करते हैं। तो आपको ये भी रियलिटी समझना है कि चांसेस ऑफ गेटिंग पीजी कैसी है, और हम क्यों कहते हैं कि यूएसएमएलई का ऑप्शन बेहतर है। इंडिया में जब 10 एमबीबीएस बच्चे पढ़ाई करते हैं तो एक को पीजी सीट इंडिया में मिलती है, ठीक है। जबकि 10 इंडियन स्टूडेंट जब अमेरिका में अप्लाई करते हैं तो 6 जन को पीजी की सीट मिलती है। तो पीजी की सीट अमेरिका में मिलना आसान है कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों बच्चे यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, ठीक है। यूएसएमएलई की तैयारी क्यों लोग करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। रियलिटी क्या है, यूएस में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ये तो कोविड के पहले की बात है, कोविड में तो और भी शॉर्टेज बढ़ गई है, मगर रियलिटी ये है कि यूएस में राइट नाउ दे रिक्वायर 3.5 लाख डॉक्टर्स, ठीक है। बट दे डोंट हैव दैट मेनी डॉक्टर्स, एंड अगले 15 साल में और रिक्वायरमेंट है उनकी इन टर्म्स ऑफ फिजिशियंस। जो शॉर्टेज है वो फुलफिल कौन करेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं, जिसमें से मोर देन 30-40% इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको समझना है why it is attractive. First of all, अमेरिका में पीजी फ्री रहता है, ऑन टॉप ऑफ इट जैसे ही पीजी खत्म की तो गारंटीड जॉब मिल जाती है विद अ मिनिमम 1.5 करोड़ सैलरी। आप समझ रहे हो, इसका आप बेसिक मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन कर लो, पीडियाट्रिशियन बन जाओ, 1.5 करोड़। और अगर आप कोई भी टॉप स्पेशलिटी में चले गए, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियो, गैस्ट्रो, रेडियो, तो मिनिमम सालाना इनकम 2.5 से 3 करोड़ रुपए। सो दिस इज द रीजन वाई पीपल आर वेरी क्लियर कि मेहनत करनी है और रिजल्ट चाहिए तो भाई यूएस ही जाना है डे वन से। चाहे मैं एमबीबीएस इंडिया से करूं या रशिया से करूं, चाइना से करूं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करूंगा, पैरेलली यूएसएमएलई की तैयारी करूंगा। क्योंकि यूएसएमएलई का, यूएस का प्रोसेस एकदम सिंपल है, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मेडिकल कॉलेज के पैरेलल में आपको यूएसएमएलई की एग्जाम देनी होती है, उसके बाद आप अप्लाई करते हो पीजी के लिए। पीजी जो होता है वो 3 से 8 साल का होता है, मेडिसिन 3 साल का है, सर्जरी 5 साल का है, बट ये फ्री रहता है, ये कंप्लीटली फ्री रहता है, आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिल गया और आप जॉब कर सकते हो जहां पे एकदम डिमांड होती है बाय मोस्ट एम्प्लॉयर्स, या फिर आप फर्दर पढ़ाई कर सकते हो जिसका नाम है फेलोशिप्स। तो मैंने एमडी मेडिसिन कर लिया, उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी में फेलोशिप कर लिया। अमेरिकन पीजी डिग्री इंडिया में रिकग्नाइज्ड है, तो आप इंडिया की कोई भी टॉप हॉस्पिटल उठा ले, आप देखोगे कि डॉक्टर्स ने पीजी या फिर सुपर पीजी अमेरिका से की है, ठीक है। तो ये क्लियर रोड मैप आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए सर ने आपको बताया था वर्ल्ड डायरेक्टरी, बिकॉज अगर आपकी कॉलेज वर्ल्ड डायरेक्टरी में नहीं है, ECFMG अप्रूव्ड नहीं है, तो जो अमेरिका में फ्री पीजी का अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस कर दोगे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी डू कंप्लीट करियर प्लानिंग, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी रिकमेंड यू टू प्रिपेयर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, ओके। ये बहुत जरूरी है, मोस्ट के प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट ईयर से क्यों पढ़ते हैं, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एमबीबीएस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एवरी पार्ट हैज हिज ओन इम्पोर्टेंस, चाहे वो प्री क्लिनिकल हो,
पैरा क्लिनिकल हो या क्लिनिकल, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे फाउंडेशन एक इमारत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से MBBS का फाउंडेशन है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जो कुछ यूनिवर्सिटी में एक साल, किसी में डेढ़ साल, बट ये फर्स्ट टू इयर्स में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, बच्चे समझते हैं ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, सही केमिस्ट्री और सही बैलेंस, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ यू नो बॉडी टेम्परेचर, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ यू नो फ्लूइड फ्लो, वाटर फ्लो, एवरीथिंग, ठीक है। तो बॉडी में जो सही बातें हैं, एक्चुअल ह्यूमन बॉडी का कंडीशन क्या होना चाहिए, वो आपको पहले दो साल में समझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके प्री क्लिनिकल, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में क्या चीजें गलत है, पैथोलॉजी मतलब डिसईज, किस वजह से गलत है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, उसकी दवाई क्या है, फार्माकोलॉजी। तो ये आपके आगे पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट। उसके बाद फॉरेंसिक और PSM जो पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन के सब्जेक्ट्स है। तो आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट भी जो होते हैं वो हर कंट्री में अलग होते हैं, बट मोस्ट के स्टूडेंट्स को एडवांटेज क्या है, चाहे वो रशिया में पढ़े, चाइना में पढ़े, यूक्रेन में, ऑनलाइन मोस्ट के प्लेटफॉर्म पे वो कंटिन्यूसली ये पढ़ते हैं, कीपिंग इन माइंड द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, बिकॉज 6 साल बाद उनको अल्टीमेटली नेक्स्ट एग्जाम देनी है, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से फैकल्टीज करवाते हैं। और जिन लोगों का US का सपना है, उनको समझना होगा कि एग्जाम डिवाइडेड है। तो अगर किसी ने सेकेंड ईयर पास कर लिया, तो जो बच्चे USMLE ऑप्ट करते हैं वो तीसरे चौथे साल में स्टेप वन की एग्जाम देते हैं। इंडिया में जो नेक्स्ट एग्जाम है वो डायरेक्ट छठे साल में आती है, USMLE में एक एग्जाम तीसरे चौथे साल में आ जाती है, एंड बाद में दूसरी एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद आती है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए, बिकॉज आपको ये समझना है कि अल्टीमेटली प्लानिंग, और जो डॉक्टर मोनालिसा ने भी बताया, डिमांड सिर्फ और सिर्फ PG की है। तो PG मेडिसिन फील्ड में होती है या सर्जिकल फील्ड में होती है, बट आपको कंटिन्यूस इवेल्युएशन करना पड़ेगा। जो एनाट आप पहले साल से पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, तब जाके आप ये सर्जिकल सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्म करो। इसकी कंप्लीट क्लैरिटी, आप क्यों पर्टिकुलर चीजें पढ़ते हो इन फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये क्यों पढ़ते हो, इसको आपने अगर अच्छे से नहीं समझा कंसेप्चुअली, तो आप कभी मेडिसिन में करियर नहीं बना सकते। तो इसका हर सब्जेक्ट का आगे जाके क्लिनिकल सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट लिंक होता है, तो ये आपको सही से पता होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। और जो लोग USMLE एग्जाम की प्रिपेरेशन करते हैं वो आगे जाके CK और CS एग्जाम भी देते हैं। तो होता क्या है कि पूरा MBBS प्लानिंग के साथ चलता है, इट डज नॉट वर्क ऑन रैंडम डिसीजन, आज मूड हुआ ये कर लिया, आज मूड हो गया वो कर लिया, इस तरह से नहीं होता। तो मोक्ष के स्टूडेंट्स एकदम क्लियर है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। मोक्ष के स्टूडेंट्स डे वन से, जैसे ही नीट का एग्जाम हो जाएगा, अभी 26-27 जुलाई को जो एग्जाम है आपका, नेक्स्ट डे से आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और आपकी पढ़ाई चालू हो गई, एज इफ आपने MBBS में एडमिशन ले लिया। और जैसे हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं नेक्स्ट और USMLE, आप कोई भी ले लीजिए, आपके भी इसी तरह से प्रॉपर एक पर्सनलाइज शेड्यूल होगा आपका, आपको डेली क्या पढ़ना है वो हम सिस्टमैटिकली पहले साल से बताएंगे। कॉलेज के पैरेलल आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं फैकल्टीज के, जो टॉप लेवल का कंटेंट आपको सिखाते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारा अच्छा रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखना है, उससे होता क्या है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई विल टेक यू टू माई YouTube चैनल, आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है कि बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग विच इज हैपनिंग ऑन द MOOCs प्लेटफॉर्म, उनको उनके कॉलेज में बहुत ईजी हो गया है, कॉलेज में जो पढ़ाई करनी है वो बहुत ईजी हो गई है। क्योंकि होता क्या है, बच्चों ने ये रिकॉर्ड देख दिया, नोट्स डाउनलोड कर लिए, कोई गलतियां है तो रिपोर्ट कर ली, डाउट्स है तो अपने डाउट सॉल्व कर लिए,
तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। आप लेक्चर अटेंड कर लो, आप डाउट सॉल्व कर लो, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोग्राम। और जैसे कि सर ने आपको कहा, MBBS एक सीरियस करियर है। आज कोरोना जैसी बड़ी बीमारी आई है तो वापस रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो MBBS के जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूअस रिसर्च करते हैं, तो आप कौन से रिसर्च आर्टिकल कब पढ़ोगे वो भी हमने सिस्टमैटिकली डिजाइन किया है कि सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने हैं। बिकॉज अगर रियल लाइफ में आप जाओगे तो आपको पता ही नहीं है MBBS, व्हाई इट्स MBBS कॉल्ड एज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। आप समझ रहे हो, इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस नहीं कहते, MBBS को ही प्रैक्टिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग हमेशा होती है। तो आपको हर चीज जो लर्निंग में इंपॉर्टेंट है उसको समझना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को टेस्ट करना है। जब तक आप अपने आप को असेस नहीं करोगे, मैं कितना रेडी हूं इन फर्स्ट ईयर, इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा हाउ आई विल बी अपियरिंग द एग्जाम। बिकॉज होता क्या है, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोग्राम ऑन द मोक्स प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको आपके प्रेडिक्टेड स्कोर, आपकी एक्टिविटीज, आपके करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स, कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एम एक ही है कि आपकी वीकनेस हम आइडेंटिफाई करें और वो वीकनेस को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करें। तो दिस इज अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू मेक योर करियर। जैसे कि हमने पहले दिन से कहा है, पीजी तक की प्लानिंग करनी है, तो वो कैसे होगी? मुझे रेडियोलॉजिस्ट कैसे बनना है, पीडियाट्रिशियन कैसे बनना है, यूरोलॉजिस्ट कैसे, तो उसके बहुत सारे गेस्ट सेशंस होते हैं, आपको पूरा मेंटोरिंग किया जाता है। यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू द कंप्लीट न्यूज एंड अपडेट्स, आपके फील्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीटली यहाँ पर होती है। तो इन शॉर्ट जो मोक्स के स्टूडेंट्स हैं, सिस्टमैटिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते हैं, और जो बाकी का प्लानिंग है वो इस तरह से आपको क्लियरली करना है। ठीक है, व्हाट इज माय बजट? अगर मेरा बजट 1 करोड़ के ऊपर है तो आई विल थिंक अबाउट क्वालिटी कैरेबियन यूनिवर्सिटी। अगर मेरा बजट 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख है, तो डोंट वेस्ट वो सारे मनी। आप विद इन 40-50 लाख में ही आप अच्छा सा मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया और अब्रॉड एंड अमेरिका में फ्री पीजी कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर बजट 20-25 लाख है, तो आप MBBS अब्रॉड या इंडिया में गवर्नमेंट में करके नेक्स्ट की कोचिंग कर सकते हो और पीजी के लिए प्लान कर सकते हो। अगर नेक्स्ट में फेल हुए या USMLE में फेल हुए, तो थर्ड ऑप्शन है, हम आपको पीजी इन जर्मनी में भी हेल्प कर देंगे। तो आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वी विल बी देयर विद यू अंटिल यू गेट एडमिशन। प्लीज ये बातों को समझिए। होता क्या है, आप अपने फ्रेंड से पूछ लेना कि पिछली बार आपकी अपने कंसल्टेंट से कब बात हुई, तो वो कहेगा जिस दिन मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, उसने बोला मैंने एडमिशन ले लिया मॉरिशियस में, अब वो मेरा फोन नहीं उठाता। तो ये रियलिटी है। जो लोग आपको मॉरिशियस बोलेंगे, नेपाल बोलेंगे, बांग्लादेश बोलेंगे, जॉर्जिया बोलेंगे, वो आपका फोन नहीं उठाने वाले, क्योंकि उनका काम हो गया, आपको भेजना था, कमीशन खाना था, हो गया। तो आपको ये समझना है एंड रियलिटी चेक रखनी है। आई नो लॉट ऑफ यू हैव द एग्जाम ऑन 27 जुलाई और आप एंग्शियस हो, तो एंग्जाइटी में गलत डिसीजन नहीं लेना है। लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, होता क्या है कि सबको ये समझना होगा, पेरेंट्स को भी ये समझना होगा, 21 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करते, तो सबको तो MBBS मिलेगा नहीं। सर ने शुरुआत में ही आपको फनल बताया था। तो अगर मोक्स का स्टूडेंट है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाता है, तो उसको पता है अगर इस साल मेरा गवर्नमेंट इंडिया या अब्रॉड नहीं हुआ तो मैं नीट UG रिपेयर कर दूंगा, अगले साल के लिए ट्राई कर लूंगा, ठीक है, और फिर PG अमेरिका की प्लानिंग करूंगा, या फिर मैं BSc कोर्स 3 साल का इंडिया में ज्वाइन कर लूंगा, पैरेलली NMAT की प्रिपरेशन कर लूंगा, फिलीपींस से MBBS करके फिर PG अमेरिका में कर लूंगा। तो प्लानिंग और प्लान भी ये मोक स्टूडेंट्स का एकदम क्लियर होता है। बट होता क्या है, आपकी गलती नहीं है, आप एकदम जैसे ही रिजल्ट आएगा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे
और सडनली आपको कोई इलीगल कोर्स बोल देगा कि एक काम करिए, एक साल फिलीपींस में करिए और आप सेट हो जाओ, तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, बट ये ऑप्शन में फंसना नहीं है। अभी नेक्स्ट जो सेशन है वो इसी के बारे में मोहिनी जी आपको बताने वाले हैं। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इन 2 मिनट्स एंड देन यू विल बी नोइंग इन डिटेल व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन फिलीपींस, ठीक है। और दूसरी गलती क्या नहीं करनी, जैसे किसी ने पूछा था मिनिमम बजट में करीबियन जाना है, मैंने पहले ही कहा करीबियन जाना है तो मिनिमम 1.1-1.5 करोड़ का बजट होना चाहिए, बट अगर आपको किसी ने 30 लाख-35 लाख में बोल दिया तो यू विल बी गेटिंग स्टक। दीज आर नॉट CAMHP, नॉट ECFMG अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इट्स अ स्कैम। स्पेशली गयाना करके एक आइलैंड है, वहां पे सबसे ज्यादा स्कैम होता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपका प्लान भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ईच वन ऑफ यू। प्लीज अंडरस्टैंड, जो एजेंट आपको बोलता है इस भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिशन है, रियलिटी वो नहीं है। उनको बताओ आप कि एडमिशन तो शुरुआत है, फिर आएगी कॉलेज एग्जाम्स, फिर आएगी आपकी MBBS डिग्री, फिर आएगी आपकी PG की तैयारी। सो यू रिक्वायर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू, बिकॉज वी आर करियर प्लानर्स, वी आर देयर विथ यू थ्रू आउट, ठीक है। ऐसे फ्लाई बाय नाइट वाला काम नहीं होता है। ग्रेट, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। इफ देयर आर क्वेश्चंस यू कैन आस्क, यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू अवर YouTube चैनल एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर चैनल एज वेल, ओके। ऑलराइट, सो आयुष पांडे, वी डोंट रेकमेंड मेडिकल PG इन UK बिकॉज वहां पे लोगों को जॉब मिलती नहीं है, ठीक है। वहां पे अगर आप नॉन वाइट डॉक्टर हो तो रेसिज्म होता है, तो हम वही कंट्री रेकमेंड करते हैं जहां पे आपका करियर बनता है, ठीक है। ग्रेट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल।